नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। वैशाली प्रखंड में पिछले दिनों विश्वकर्मा पूजा के दिन एक ही गांव के 50 लोग बीमार हो गए। दरअसल पूजन हेतु लाए गए लड्डू खाने से ये लोग बीमार पड़े हैं। वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य टीम को जानकारी दी और ये सभी लोग चिकित्सकों की निगरानी में हैं। वैशाली प्रखंड में पिछले दिनों संपन्न हुए विश्वकर्मा पूजा में अपने पास के स्थानीय चौक से पूजन हेतु लाए गए लड्डू के खाने से एक ही गांव के लगभग 50 लोग बीमार हो गए। स्थिति नाजुक देख ग्रामीणों ने जिला परिषद पति पिंटू राय और पूर्व मंत्री विशुद्ध पटेल को फोन कर इस घटना की जानकारी दी। दोनों ने जिला स्वास्थ्य और प्रखंड के स्वास्थ्य टीम को घटना की जानकारी दी। जल्द ही प्राथमिक स्वास्थ्य के चिकित्सकों की टीम गांव में पहुंचकर लगभग 52 लोगों का उपचार कर ORS, पैरासिटामोल, जिंक जैसी दवाओं को देकर सभी की निगरानी रखी जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार विषाक्त प्रसाद खाने से सबों में एक ही प्रकार डायरिया के लक्षण पाए गए हैं। समय रहते लोगों ने सूचना किया, अन्यथा गंभीर परिणाम हो सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज, मैं हूँ अवधेश कुमार। पिछले दिनों विश्वकर्मा पूजा बिहार समेत पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। उसमें वैशाली प्रखंड अंतर्गत कमतौलिया गांव में एक हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें विश्वकर्मा पूजा में जो लोग प्रसाद खाए हैं, प्रसाद के वजह से फूड पॉइजन हो गया है, जिसमें गांव के लगभग 60-65 लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं डायरिया के प्रकोप से। आइए, PHC के कुछ डॉक्टर्स लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या घटना हुई है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर कौशल कुमार मिश्रा है, मैं PHC वैशाली में पोस्टेड हूँ। वहाँ सुबह हमारे स्टाफ को और हमारे चिकित्सा पदाधिकारी महोदय को सूचना मिली सुबह 7 बजे कि पहाड़पुर कमतौलिया एरिया में डायरिया का प्रकोप है, आप लोग तुरंत इमीडिएट निकलिए। हम मनोज कुमार, परमिला ANM और अपने एक चिकित्सक कर्मी के साथ यहाँ तुरंत पहुँचे और तुरंत पहुँचने के बाद यहाँ आकर अपना इलाज शुरू कर दिया। लगभग 60-65 व्यक्ति को मैंने डायरिया के प्रकोप से निजात दिलाया है, दवा दिया है। गंभीर स्थिति में कितने लोग हैं? नहीं, गंभीर स्थिति होने का मौका ही नहीं दिए। गंभीर स्थिति होने के पहले हम लोग पहुँच गए और इमीडिएट दवा वितरण करना शुरू कर दिया। जी, क्या घटना घटित है? इसे वैशाली प्रखंड अंतर्गत कमतौलिया पहाड़पुर के समीप 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के दरमियान जो उसके प्रसाद वितरण के द्वारा जितना भी ग्रामीण बच्चे, बुजुर्ग, महिला, यंग जो भी खाए, उस सबको उल्टी, दस्त, बुखार, सर में दर्द, मतलब डायरिया का लक्षण अचानक में इसमें बढ़ोतरी होते चला गया। फिर उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य विभाग में फ़ोन करके, वहाँ का टीम बुला करके और सबको ट्रीटमेंट हुआ और उसमें सुधार है। और हम लोग को जहाँ तक उम्मीद है कि जो प्रसाद में वो लड्डू बिंदिया जो होता है ना, जो हमको लगता है कि हो सकता है कोरोना में नहीं सप्लाई हुआ होगा, वैसी सबको फिर से अपना 2 पैसा कमाने के लालच में प्रसाद में उसको बिक्री। कितने लोग प्रभावित हुए? कम से कम 60 आदमी 65 आदमी, पूरा लिस्ट द्वारा इलाज हुआ है। भी लोग ऐसा संभावना है, कुछ आदमी तो लालगंज में भी एडमिट है और बढ़ने का भी संभावना है। जैसे जैसे होगा हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हेल्प लेंगे और वो लोग भी एक्शन में आ रहे हैं और हेल्प दे रहे हैं, अच्छा हेल्प। हम सभी प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मी से अनुरोध करेंगे कि भगवानपुर अत्ती बाज़ार पे जो भी पुराना मतलब खाने की सामग्री, होटल जो है उस पर जाँच कराया जाए। हमारी जनता का भी यही मांग है, इसी कारण जो है मतलब लड्डू में जो है कुछ पॉइजन पाया गया, यही कारण जो है डायरिया का अंश पाया गया। और बहुत देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे झुग्गी झोपड़ी है और दलित बस्ती है, और यहाँ पर जो है मतलब डॉक्टर जो है तुरंत मतलब हॉस्पिटल के जो भी टीम थे वहाँ पे आए और इलाज किया। क्या सच है, क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज़।